सर उन्हें आवाज जाएगी तभी तो। चलिए, अ लिक्विड रोप ऑफ डायमीटर, तो बच्चों कितना है डायमीटर? डी इक्वल टू 4 mm, या इसको बोल दें 4 × 10⁻³ मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10³ मिलीमीटर होते हैं, तो उल्टा अगर करेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10³ मीटर। 1000 ड्रॉप बनाते हैं स्मॉल साइज की, तो वन कंसीडर द रेडियस ऑफ द वन बिग ड्रॉप इक्वल टू कैपिटल आर, और स्मॉल रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज स्मॉल आर, तो 4/3 πr³ इक्वल टू 1000 4/3 πr³, 4/3, तो स्मॉल आर इक्वल टू, देखो हमें क्योंकि स्मॉल आर की रेडियस चाहिए होगी, स्मॉल आर इक्वल टू, क्योंकि कैपिटल आर की तो पता है कितना है डायमीटर इतना, तो आर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻³, ये कैपिटल आर है बच्चों भाई, इतनी रेडियस की थी ना, ब्रेक किया है जिसको, ये है, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन 10। देखो ये 1000 इसके नीचे आएगा, दोनों का क्यूब रूट हो जाएगा इस तरह से, तो स्मॉल आर की वैल्यू आती है आर अपॉन 10 मीटर। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कितना है, टी इक्वल टू 0.07 न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस एनर्जी निकालनी है बच्चों, तो सरफेस एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जरा, पहले तो हमें चेंज इन एरिया निकालना है ना, क्योंकि सरफेस एनर्जी इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो कैसे निकालोगे देखो जरा, क्या फॉर्मूला है हमारा, सरफेस एनर्जी पहले एरिया में निकालते हैं, तो पहले कितना है इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया ऑफ आ, इनिशियल सरफेस एरिया है बच्चों ये, इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ आ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप, और कितना है प्यारे बच्चों, A1 = π r² 4 π r², क्योंकि स्फेरिकल है ड्रॉप, 4 π r² तो 4 π, कैपिटल आर की वैल्यू 2 × 10⁻³, तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 π इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बाद में कितना हो गया, A2, कितनी ड्रॉप बनाई थी बड़ी को ब्रेक करके, 1000, तो 1000 ड्रॉप का एरिया निकालने, 1000 × 4/3 πr³, सॉरी πr² 4 πr² इस तरह से, तो 1000 4 πr की वैल्यू r/10, तो ये हो जाएगा r² / 100 भाई, आर की जगह मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है बच्चों, तो 100 से 00 कैंसिल, तो आ जाएगा 40 πr². पहले कितना था, अच्छा पहले हमने उसमें निकाला हुआ है वैल्यू पुट कर दी थी, तो एक काम और भी कर सकते हो बच्चों आप, ये वैल्यू आप बाद में भी पुट कर सकते हो, उससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना, तो मैं इस अभी फिलहाल क्या करता हूं, 4 πr² रहने देता हूं, और अभी कितना आ गया 40 πr², तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए, A2 - A1, ठीक है, ड्रॉप कैसी है, लिक्विड है क्या है ये देखना पड़ेगा, हाँ अगर बच्चों लिक्विड होगी तो खाली डेल्टा ए रहेगा, और अगर एयर बबल है ना, या कुछ इस तरह से आ जाए कि वो दोनों साइड एयर है, तो उसमें फिर डबल हो जाएगा, ये याद रखना, तो A2 कितना है 40
पाई आर स्क्वायर, ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना रहेगा 36 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर सकते हो, इससे थोड़ा इजी हो गया, बस ये है। हम चाहे तो निकाल लो यहीं पे या यहां पे, तो 36 मल्टीप्लाई पाई और आर की जगह 2 × 10⁻³, तो कितना हो जाएगा 36 × 2 = 72 बेटा, आर्गस सॉरी, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4, अच्छा 36 × 4 = 144। अब मल्टीप्लाई 4 से होगी बच्चों, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12 × 2 = 144 पाई 10⁻³ - 6, क्योंकि जो पावर है माइनस थ्री में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, चेंज इन एरिया निकाल रखा पूछा है या वर्क डन सर? चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। देखो बच्चों इसकी कितनी एनर्जी चेंज हो गई, कैसे हुई एनर्जी, जैसे मैंने रबर सीट का एग्जांपल दिया था फ्रेम वाला, कि इसको खींचते हैं तो इतना हो जाएगी, भाई तो आपने इसको छोटी छोटी ड्रॉप में बना दिया, अब छोटी ड्रॉप में बनाया तो एरिया ज्यादा हो गया, और ज्यादा एरिया इसका मतलब ज्यादा टेंशन, कम एरिया तो कम टेंशन, क्योंकि ड्रॉप क्या करना चाहेगी कि अपने एरिया को मिनिमाइज, अब एरिया बढ़ा तो वो फोर्स भी ज्यादा लगाएगी, तो और फोर्स ज्यादा लगा रही है इसका मतलब एनर्जी उसके अंदर ज्यादा आएगी। कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर ये कहां से आता है, क्यों इस तरह से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरह से ये चीजें रहती हैं। तो कितना एनर्जी में चेंज किया, सरफेस टेंशन इनटू, कितना चेंज किया एनर्जी में, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा है, टी की वैल्यू कितना गिवन है 0.07, डेल्टा ए कितना है 144, पाई की वैल्यू रख लेता हूं बच्चों 22/7, क्योंकि यहां पे 7 है पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, × 10⁻⁶, कितना आएगा 7 से 7 कैंसिल 0.01, और यहां पे -6 है, 2 और प्लस हो जाएंगे तो -8 आ गया, ये तो कंप्लीट ये वाली बात। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 144 और 22, कितना होगा 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 8, 8 = 16, 11, 3, 3 × 1 = 6, 8 × 10⁻⁶, ऐसा करता हूं ये ले लेता हूं -6, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी सरफेस एनर्जी। अभी तक आपने जितनी भी एनर्जी पढ़ी है, वर्क पढ़ा है, सभी की यूनिट जूल होती है, लेकिन सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या होगी बेटा, जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर, है ना, ये याद रखना, या तो इसको बोल दोगे जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। चलो तो हमने एरिया को इंक्रीज किया और एरिया इंक्रीज करने से हमें इतनी एनर्जी, हमने वर्क किया और ये वर्क किसमें कंजर्व हुआ, लिक्विड ड्रॉप के अंदर, उससे उसकी एनर्जी चेंज हो गई। चलिए
और चेंज क्यों हुई? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स भी इंक्रीज हुआ है, और फोर्स इंक्रीज होने की वजह से अब उसमें एनर्जी कंजर्व है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सर चेंज इन वर्क डन भी यही होगा? हाँ जी, अगर आप ये बोलो, देखो वर्क लिक्विड ड्रॉप कब करेगी वर्क? अगर वो वापस, जैसे हमने उसको ब्रेक किया और वो वापस से क्या कर दे, 1000 ड्रॉप की जगह 1 ड्रॉप बना दे, पर आप बनाएगी तो तब जब हम उसको चांस देंगे। मान के चलो आप ब्रेक करके अलग अलग रखा और वो क्या करे, फिर से वापस इकट्ठा करके कर ले, तो वो क्या होती है, वो वर्क डन बाय द लिक्विड होगा। अभी वर्क किसने किया? हमने, क्योंकि हमने एक बड़ी को छोटी छोटी ड्रॉप में ब्रेक किया है, जैसे कूलर करता है। हैं? कूलर क्या करता है, उसकी जाली के वहां से पानी गुजरता है ड्रॉप की फॉर्म में, और वो जब उसको खींचता है तो स्प्रे कर देता है, उसका लगती है ना कि ठंडी ठंडी फुहार आ रही है। बारिश में भी देखा होगा जब हवा चलती है तो फुहार आती है, वो बारिश देखा बाहर तो बाहर कैसी हो रही थी, मोटी मोटी ड्रॉप आ रही बड़े साइज की, और जब हवा चलने लगी तो ऐसे देखते हो जैसे स्प्रे हो रहा है पानी का, फुहार जिसको बोलते हो, तो वो क्या किया, वही तो वर्क है। समझ आ गया? वही वर्क है बच्चों। और वो ठंड क्यों हुई, क्योंकि आपने उसके साइज को ब्रेक किया, या ये कहो हवा चलिए और हवा चलते चलते वो उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहता है लेकिन वो वेपर में कन्वर्ट हुई है, और उससे उनकी ड्रॉप्स की कुछ एनर्जी हमने निकाल ली है जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व लिक्विड सरफेस। तो देखो हमारी जो ड्रॉप होगी, हम अगर देखते हैं तो लिक्विड ड्रॉप कुछ इस तरह की शेप में रहती है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिक्विड को फिल करते हो तो देखा होगा कुछ इस तरह की शेप रहती है। अगर टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो उसमें लिक्विड की जो शेप होती है वो इस तरह से रहती है। तो इस तरह से हमारे तीन तरह के सरफेस हो सकते हैं। किसी भी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होती है, और किस तरह से एग्जर्ट होती है, मान के चले हमारे पास ये कंटेनर, ये कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड देखा कि लेयर बिल्कुल स्ट्रेट है, जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स इक्वल लगे हुए। इक्वल कैसे, देखो अगर ऊपर से देखेंगे, अगर कंटेनर ऊपर से देखने पर साइज कैसा है, सिलेंड्रिकल। अगर ये कंटेनर सिलेंड्रिकल है तो ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, सर्कुलर। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स होगी, इधर भी होगी, पीछे भी होगी, आगे भी होगी, क्योंकि लेयर देखते हो अभी टू डायमेंशन में सामने से ऐसे दिखाई देता है, लेकिन अगर ऊपर से आके देखें कंटेनर के, तो कंटेनर को सामने से देख रहे हो मान के चलो अभी, लेकिन ऊपर से आके देखोगे तो क्या होगा, स्फेरिकल। और उस ऊपर से ये तो एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक इधर तो कौन लगा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर पीछे की तरफ भी होगा, आगे की तरफ भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इसमें भी होगा। जैसे हमारे फ्लैग के अंदर व्हील होती है, फ्लैग में व्हील होती है ना, 24 स्पोक्स होती है उसमें, तो उसमें क्या होता है, सभी डायरेक्शन में फोर्स लगी होती है। ऐसे ही यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगी होगी, और वो रिजल्टेंट कितना निकल के आता है, नेट फोर्स जीरो। अब जरा यहाँ देखें, स्ट्रक्चर और भी हो सकती है, और वो कैसी होगी, कॉनवेक्स भी होगी और कॉनकेव भी होगी। अरे सर लेंस भी पढ़ाने लगे, ये कॉनवेक्स भी होगी, इस बार कंटेनर ये, और उस कंटेनर के अंदर लिक्विड का इस तरह, और दूसरा कंटेनर हमने ऐसे बनाया, इसके अंदर लिक्विड की इस तरह से होगी। तो ये कॉनकेव है, कॉनकेव बोलते हैं जिधर वेपर साइड, ये वेपर साइड है और ये लिक्विड, इसी तरह से ये लिक्विड ये वेपर। तो यहां लिक्विड इस तरह से है, यहां ऐसे, और ये कहां पर रहता है, मरकरी। अगर हम किसी कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में फिल करते हैं तो मरकरी की फ्री सरफेस ऐसे आती है, बैरोमीटर वाला एग्जांपल बताया था याद होगा,
जो बैरोमीटर टॉपिक जब पढ़ाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग एच रो जी, है ना, बैरोमीटर से निकालते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना था, 1.013 × 10⁵ पास्कल, है ना। तो उस तरह से, तो अगर हमारा इस तरह है तो यहां पे मॉलिक्यूल यहां होगा। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस डायरेक्शन में भी फोर्स है, इधर भी है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ भी है, तो उसी तरह से यहां भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। लेकिन क्योंकि ये लेयर यहां के मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इस पे रिजल्टेंट इधर लगता है, इस पे यहां नेट जीरो था, यहां के मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन यहां के मॉलिक्यूल पर जीरो नहीं है, बल्कि किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। और अगर डाउनवर्ड फोर्स लगी है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इसकी सरफेस में फोर्स अदर भी आ जाएगी। ये मॉलिक्यूल तो इसे नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं, क्यों क्यों खींचना चाहते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों, मान के चलो अभी लेयर सरफेस हो गया बड़ा स्फीयर, और ये अगर मैं कहूं ये सरफेस एरिया ज्यादा होगा या ये वाला, ये वाले से समझो कि आप खाना बनाती हैं आपकी मदर, और खाना बनाते टाइम उन्होंने क्या ली, ली बोल, जिसे बाउल बोल भी बोल देते हैं ना, जैसे कटोरा टाइप का या कढ़ाई घर में खाना बनाने के लिए। अब अगर उसको फ्लैट कर दे एरिया तब ज्यादा होगा या कढ़ाई रहेगी तब ज्यादा होगा, सोचो जरा। तो कढ़ाई का एरिया ज्यादा होगा, इसीलिए बनाया जाता है वो एरिया ज्यादा, ताकि हीट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अगर फ्लैट होता भाई, फ्लैट भी तो बना सकते थे कढ़ाई को, ऐसे ऐसा नहीं बनाते, ऐसा बनाते हैं ताकि हीट काफी ज्यादा पोर्शन पे आ जाए। यहां केवल इतने पोर्शन पर है और यहां एरिया बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। अब इंक्रीज ज्यादा हुआ तो गैस भी कम लगेगी और जल्दी खाना बन जाएगा, वरना ये भी ठीक था, है ना। इसी तरह से अब सरफेस टेंशन का तो काम ही है अपने एरिया को, अपने लिक्विड के एरिया को कम करना, ये जिम्मेदारी सरफेस टेंशन निभाता है मिलिट्री की तरह, कि हम कम करना चाहते हैं। अब ये क्या है लिक्विड, कि नहीं मुझे तो रहना ऐसे है, तो क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है लिक्विड के अंदर। भाई इधर भी प्रेशर है, मान के चलो एटमॉस्फेयर, इधर लिक्विड का प्रेशर है, प्रेशर भी तो रहेगा ना। तो ये मॉलिक्यूल इसको इधर खींचना चाहते हैं, अगर ये खींचना चाहते और इनकी मनमर्जी हो जाती तो ये तो क्या कर देते, खींचते 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 बॉटम पर ले आते, ले आते या नहीं सारे मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होने का रीजन कि अंदर एक प्रेशर भी बनने लगता है। जैसे बलून है, बलून को हम चाहे क्या प्रेशर कंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अंदर की जो एयर है वो उसको कंप्रेस नहीं होने देती, है ना। तो यहां पे जो फोर्स लगती है इसके अपोजिट एक प्रेशर भी एग्जर्ट होता है, जो वापस इसको, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रुका हुआ है अभी। इक्विलिब्रियम का मतलब ना ही ये लेयर ऐसे आती ना ऊपर जाती, आराम से रुक गई है। और अगर ये इस स्टेज में रुकी है तो क्या होगा, यहां का प्रेशर लिक्विड साइड वेपर की साइड के प्रेशर से ज्यादा होगा। समझ आ गया, ये जो एक्सिस है प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसी तरह अब यहां देखो, अगर यहां वाली कंडीशन है, यहां पे इस साइड में फोर्स ज्यादा होती है, तो इसे बैलेंस करने के लिए, कि वरना तो ये क्या करता, लेयर को ऊपर ले जाता, लेकिन ये नहीं ले जा पाता। क्यों, क्योंकि इस बार पीवी की वैल्यू पीएल से ज्यादा, यहां पीएल की वैल्यू पीवी से ज्यादा है। समझ आ गया। तो ये जो कॉनकेव साइड, देखो अगर हम देखें दोनों ही केसेस में, जिधर हमारी कॉनकेव साइड है, कॉनकेव नीचे यहां ऊपर, हमेशा उस साइड प्रेशर ज्यादा होता है। इसी को लेके कुछ टॉपिक करने हैं। समझ आ गया ना सबको, कि किस साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड। और ये तो इस एक्सिस प्रेशर को हमें निकालना, इसकी वैल्यू कितना आएगी, ये तो नोटिस कर लिया प्रैक्टिकल फिगर को देखते हुए, कि एक एक्सिस रहता है, प्रेशर कुछ ज्यादा रहता है किधर से, कॉनवेक्स साइड से,
कॉनकेव साइड में, लेकिन कितना ज्यादा है, वैल्यू कितना है, उस बारे में अब डिस्कस करते हैं, उसको निकालते हैं। चलिए जल्दी से, समझ आया सबको? चलिए आ रहा है समझ में? नाम क्या है? तो बच्चों एक्सिस प्रेशर, अब तीन तरह की चीजें हो सकती हैं जिसके लिए हमें एक्सिस प्रेशर निकालना है। क्या कोई लिक्विड ड्रॉप हो सकती है लिक्विड के अंदर, कोई लिक्विड ड्रॉप हो सकती है एयर के अंदर, और एयर बबल हो सकता है लिक्विड के अंदर। अब तीनों के एग्जांपल जरा अलग अलग समझने। आप देखते हो टैप ऑन करते हो, तो टैप जब ऑन करते हो तो देखते हो उसमें बबल बनते हैं छोटे छोटे, वॉटर की बकेट या पानी निकालते हैं टैप से तो देखा होगा व्हाइट कुछ दिखाई देता है ना, बबल छोटे छोटे बबल बनते हैं। जैसे टैप ऑन किया तो क्योंकि उसके होल से पानी निकलता है तो वो थोड़ा सा एयर को भी ले लेती है उस टाइम अपने साथ में, तो देखा होगा छोटे छोटे बबल रहते हैं, तो वो बबल है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो वहां पे क्या है, ड्रॉप ऑफ एयर इनसाइड द लिक्विड या एयर बबल इनसाइड द लिक्विड। दूसरा लिक्विड ड्रॉप होती है किसके अंदर, एयर के अंदर। और तीसरा होता है बबल इन एयर। तो बबल कहां कहां पे हो सकता है, इनसाइड द लिक्विड और इन द एयर, या आउटसाइड द लिक्विड बोल दें, इन द एयर बोले, तो दोनों साइड एयर है। याद बस ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जब एक साइड एयर होगी तो केवल एरिया डेल्टा है, और अगर दोनों साइड एयर है, दोनों साइड का मतलब बाहर भी और अंदर भी, तो एरिया करते हैं डबल। ठीक है, तो एक्सिस प्रेशर की जो वैल्यू आती है वो आती है 2t अपॉन r, सरफेस टेंशन का डबल अपॉन रेडियस। लेकिन अगर एयर बबल इन द एयर है तो उसका फिर क्या बनेगा, 4t अपॉन r। कैसे बनेगा वो जरा देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे हम। ठीक है ना बच्चों, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड द लिक्विड, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, इनसाइड द लिक्विड, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल, इन द एयर। तो तीनों कंडीशन में देखेंगे, जब दोनों साइड एयर होगी तो तब बनता है एक्सिस प्रेशर 4t अपॉन r, और अगर वन साइड एयर है तो बनेगा 2t अपॉन r, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इसके डेरिवेशन अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते आप सभी को।